नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे त्रि पुष्कर योग के बारे में, क्या यह योग होता है, कैसे बनता है और मुहूर्त में दोस्तों मुहूर्त का चुनाव करते समय, मुहूर्त को निकालते समय इस योग का क्या महत्व होता है। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूसली जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, त्रि पुष्कर योग क्या होता है, कैसे बनता है और मुहूर्त में इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों त्रि पुष्कर योग तिथि, वार और नक्षत्र इनके संयोग से बनने वाला योग होता है। दोस्तों जब भी किसी शुभ कार्य को शुरू करने की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है उस शुभ कार्य को शुरू करने के लिए एक शुभ मुहूर्त के चुनाव की। अब दोस्तों उसके लिए मुहूर्त के बहुत सारे घटक हैं, उन पर विचार किया जाता है। जैसे मुहूर्त के घटक है अयन, मास, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, लग्न आदि आदि। तो दोस्तों ये जो घटक हैं ये अलग अलग मिलकर बहुत सारे योगों का निर्माण करते हैं और दोस्तों इसके लिए पंचांग शुद्धि भी की जाती है। तो पंचांग के पांच अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। तो ये जो मुहूर्त के घटक हैं दोस्तों ये सब अलग अलग मिलकर बहुत सारे योगों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं योगों को। जो कुछ योग उनमें से शुभ होते हैं और कुछ योग अशुभ होते हैं। तो दोस्तों त्रि पुष्कर योग, अगर भद्रा तिथि, अब भद्रा तिथि होती है दोस्तों 2, 7, 12 तिथियां, द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी। तो अगर भद्रा तिथि रविवार, मंगलवार या शनिवार को हो और त्रिपाद नक्षत्र, अब ये त्रिपाद नक्षत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाद्पद, पुनर्वसु, कृतिका, पुतलाशारा नक्षत्र। तो ये भी उसी समय हो, भद्रा तिथि हो और भद्रा तिथि रविवार, मंगलवार या शनिवार को हो और त्रिपाद नक्षत्र भी हो उसी समय, जैसे विशाखा, फाल्गुनी, पूर्वाद्पद, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तराषाढ़ा। तो ये दोस्तों तिथि, वार और नक्षत्र का संयोग, इनके मिलने से, तिथि, वार और नक्षत्र के मिलने से त्रि पुष्कर नाम का योग बनता है। अब दोस्तों इस योग का क्या महत्व होता है मुहूर्त के चुनाव में। दोस्तों कोई भी कार्य वो शुभ हो या अशुभ, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि कोई भी कार्य वो शुभ हो या अशुभ कार्य अगर इस योग में शुरू किया जाता है तो उस कार्य की 3 बार पुनरावृत्ति होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब ऐसा जो कार्य है उसे 3 बार करना पड़ जाता है, उस कार्य के 3 बार पुनरावृत्ति होने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे में दोस्तों इस योग को सभी कार्यों में त्यागा जाता है, जिनको बार बार करना मंगलकारी ना हो। मतलब जो भी ऐसे काम है, जो भी मंगल कार्य है, मतलब जो भी ऐसे कार्य हैं जिनको बार बार करना अच्छा ना हो, उनसे नुकसान हो, वह मंगलदायक ना हो, तो ऐसे सभी कार्यों को इस योग में शुरू नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।